A very big hello to my dear friends, dear boys and girls. Thank you very much for listening to my talks. I wonder, and of course you must be wondering, अगर हम किसी भी mythological story को अगर पढ़ें, सुने, तो हम देखेंगे कि किसी ने भी अगर किसी देवता की पूजा की है, ब्रह्मा की, विष्णु, शिव की पूजा की है, चाहे वो राक्षस हो या कोई ऋषि हो, कोई इंसान, अगर जिसने भी पूजा की है, तपस्या की है, साधना की है, तो सब ने यही मांगा है, ज़्यादातर यही मांगा है कि मेरी मृत्यु ना हो। उन्होंने इमॉर्टिलिटी मांगी, उन्होंने कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊँ। वाई वाई एवरीबडी वॉन्टेड एंड एवरीबडी वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, नंबर वन। नंबर टू, ऐसा कोई नहीं है जो अपना एक्सपेंशन नहीं चाहता हो, नाम नहीं चाहता हो, नेम, फेम। किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को भी आप देख लो, स्टार्टअप को देख लो, वो चाहता है कि वो ग्रो करे, उसकी उसकी जो कंपनी है उसका फैलाव हो, एक्सपेंशन हो, कि भाई एक शहर में है तो नेशन में छा जाए, पैन इंडिया हो और फिर दुनिया भर में हो। एक स्टोर है, एक रिटेल आउटलेट है, तो उसकी चेन बन जाए और वो पूरी दुनिया में वो फैले। व्हाई नंबर टू, व्हाई एक्सपेंशन, व्हाई एवरीवन वांट्स टू एक्सपेंड इनफिनिटली, व्हाई। नंबर थ्री, माय फेवरेट, व्हाई एवरीबडी इन द एग्जिस्टेंस वांट लव। There is no one in the world, in the existence, in this universe, who doesn't want to love, who doesn't want to, you know, getting loved. Pyar, ishq, mohabbat. देखो सारे literature है, सारी फिल्में हैं, सब कुछ इसी में, you know, everything boils down and everything, you know, arises from is love, right? अब उसके रूप अलग है, उसके रूप हजार है, but basically love. Everyone wants to be in love. Everyone wants, you know, love from everyone, right? From parents, right? From brothers, sisters, from their spouses, from their colleagues, from everyone. Why? Why these two, three things? You know, why? Everyone wants to live forever. Everyone wants love. Yeah. And, everyone wants to expand infinitely. And at the same time, you know, everyone, the fourth point, everyone wants to know. By knowing, it could be listening, it could be observing, it could be just being a witness. Why? और जो पांचवी चीज जो मुझे लगती है वो ये है, ये बड़ी कॉमन है when it comes to यंग एज, जब हम छोटे होते हैं तो हमें सब तरफ से ज्ञान मिलता है कि भाई बदलो, सीखो, यू नो, बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये बड़ा सुनने को मिलता है, और हमारे अंदर क्या चलता है उसमें ज़्यादातर चेंज के बारे में, कि यार पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं, जो भी हमें कहते हैं, यार ये खुद तो नहीं बदलते, हमें बदलने के लिए बोल रहे हैं। देखिए दूसरा, कहीं ना कहीं वो ख्याल रहता है कि यार सब बदलें ना अपनी बला से, मैं ना बदलूँ, राइट? लेट एवरीथिंग चेंज बट आई विल नॉट चेंज, आई वॉन्ट चेंज, दैट द चेंज विच इज़ डिज़ायरेबल आई विल चेंज, बट बेसिकली आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई आइडेंटिटी इन अ सेंस दैट आई एम, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं वो। Why you don't want to change? कुछ तो है, there is something in us which is beyond change. Because my dear friends, my perspective of all those, you know, points which happened in me, and I had well quoted in my book as well,
It was released, it was launched in 2012-13, I believe, Tonic for a Great Life. So I believe our true being or beingness, or that point, if I may say, the point with which is in all of us, which lurks in all of us, whatever you call it, somebody may call it soul, Atman, anything, you know, whatever you call it, I don't want to give any tag, is that, you know, in itself is infinite, right? It's infinite. Therefore, we want to expand. It is eternal, it's been there always. Ajanma, anadi, akarta. It's been always. Shunya hai. Actually, hamara asal mein hona shunya hai. Nothingness. Right? To wo hai. Eternal. So everyone, you know, wants to live forever. So hum vardaan bhi mangte hain ईश्वर से कि भाई हमारी कभी मृत्यु ना हो। और तीसरा, हम जब बगैर प्यार के नहीं जी सकते, हम लोग हम कितनी भी कामयाबी पालें, धन दौलत इज्जत शोहरत ले लें, लेकिन अगर हमें कोई प्यार करने वाला नहीं हो तो मज़ा नहीं आता लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी या माता पिता है, जो जिन्होंने हमारे बारे में सपने देखे हैं कि हम ये करेंगे, और जब हम हासिल करते हैं और जब वो नहीं रहते हैं तो बात बड़ी खलती है कि काश वो होते हैं। मैं अक्सर आसमान की तरफ सितारों की, नो, थोड़ा सा फिल्मी अंदाज है, बट यू नो आई स्पीक टू देम, आई सेंस दे आर ऑलवेज विथ मी, यू नो, माय ग्रैंड पेरेंट्स। व्हाई एवरीवन वांट्स टू नो एवरीथिंग? लुक एट दिस इंफॉर्मेशन एज, पीपल आर डाइंग टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्मेशन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं है सबके साथ कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट Information. Everyone wants to know. Everyone wants to know the entirety. Why is that so? Because that point, what do we call it? You know, it's knowingness. It's beingness. It's been there. If you just take a look and challenge your intellect, just try to transcend this intellect, this logic, the doubt. Start doubting the doubt. And you will see. भई जन्म के पहले हम क्या थे? मैं पता नहीं। तो मृत्यु के बाद क्या होंगे? पता नहीं। आप अगर अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से, साक्षी भाव से अगर इस बात को देखें तो आप गौर करेंगे कि आप यहाँ सदा सदा से हैं। हाँ, उसको महसूस करने का जो यंत्र है, जो डिज़ाइन है, ब्रेन है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है, उसके अपने एक फंक्शंस है। एनिमल्स दे हैव ब्रेन्स, no, they have mechanism which gives them, you know, different senses, different observation in life. अब इस कमरे में जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, और इस कमरे में वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स है, कुछ चींटियाँ हैं, चींटियाँ मेरी फेवरेट, उनको शायद दुनिया बहुत अलग नज़र आ रही होगी उनकी आँखों से, राइट? सो द पॉइंट इज, वी बीन ऑलवेज देयर एज वॉट? एज प्रेजेंस, एज नथिंगनेस, एज शून्य, as shunya. That's what is there. And we've been there, and it's infinite. There is no end to it. It's infinite. However, when we are born, that presence, that so-called consciousness kehlo, kuch bhi kehlo, or beingness kehlo, it gets, you know, conditioned through our parents, through society, through education system, through this world, the so-called world. And we become that. So it become very aberrated version. अब वो अंदर बात है कि भाई मैं तो अमर हूँ, अब पता नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर भी अमर हो जाए, मैं हमेशा के लिए रहूँ और मेरा फैला हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नाम हो, शोहरत हो, जो भी है, ये सारी बातें। सो वी हैव टू टर्न इन, वी हैव टू लुक एट, वी हैव टू, यू नो, पिन पॉइंट दैट वॉट इज इन अस, यू नो, विच इज ऑलरेडी इटर्नल, इन्फिनाइट, बीन ऑलवेज हियर, हुज नेचर इज, हुज क्वालिटी इज बेसिकली लव, टू लव एंड गिव लव, I would say compassion, and now knowingness, beingness. Now knowingness is not about information, but it's basically being a witness, which we've been there, right? So let's take a deeper dive. राह वही जिसमें अपनी रूह से भी रिहा हो जाए, राही,
जिसे अपने बुद्धि का भी बोध ना हो वो बुद्धू, और जिसे अस्तित्व की बुद्धि का बोध हो शायद वो बुद्ध. एंड एवरीबडी हैज दैट पोटेंशियलिटी. लेट्स अवेकन टू आसा, देन यू विल सी डेथ इज मीनिंगलेस. विल सी एवरीथिंग अराउंड अस मूव्स, एवरीथिंग मूव्स, इट कम्स इट गोज, बट देर इज समथिंग इन अस विच इज unmovable, it is beyond change, that's you. So when you get rooted into that, when you get completely immersed into that, you know, the conditioning layers will start, you know, collapsing, and day by day after a certain time you will realize who you are. The question drops. It's not about who am I, it's basically who am I not. I'm everything because I'm nothing. Take care.